परंतु भारतीय अध्यात्म चार पांव पर खड़ा था, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। श्रीमन महाप्रभु ने पंचम पुरुषार्थ प्रेम को बताया। लेकिन आप देखेंगे इन चार चरणों में से बाकी चरण गायब है, मोक्ष गायब है, किसी को कोई मतलब नहीं। मोक्ष क्या होता है? मरेंगे तो देखा जाएगा, गया में जाके बेटा हमारा कर देगा मामला, कुछ नहीं होगा गया से तुम्हारा। धर्म गायब है, मोक्ष गायब है, बचा है सो सिर्फ दो चीज, अर्थ और काम। सारी दुनिया जी रही है अर्थ और काम के लिए, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। उपासना की जगह वासना ने लिया है। महापुरुष की वाणी, संत की वाणी, शास्त्र की वाणी क्या करती है तुम्हें? बस तुम्हारी जिंदगी में धर्म का और मोक्ष का प्रतिष्ठा कर देता है। कोई कहे गुरु जी हमको धर्म से क्या मतलब? और मेरा भी ऐसा ही मानना है। मैं स्वयं साइंस का एक अच्छा स्टूडेंट रहा हूं, बिना प्रमाण के कुछ मानता नहीं मैं। किसी ने कुछ कह दिया और मैं मान लूं, इतना जल्दी नहीं होता मुझे। अपनी प्रज्ञा की कसौटी पर, सत्य की कसौटी पर, शास्त्र की कसौटी पर, अपने विवेक की कसौटी पर उसको कसता हूं। और सारी दुनिया अगर यह कह रही हो कि यह गलत है, लेकिन सत्य के तराजू पर वो सही है। सरकारें बहुमत से चलती होंगी, पर मनुष्य का जीवन विवेक से चलता है। यहां बहुमत की जरूरत नहीं होती, यहां एक मत, सत्य मत, प्रेम मत, न्याय मत, प्रज्ञा मत, भक्ति मत, ज्ञान मत, वैराग्य मत, ये सब बोलने में अलग अलग हैं, एक ही नाम, बड़े बड़े हैं, अलग अलग हैं, पर सबका मतलब एक है। इसलिए जिनको बहुमत की आदत है वो सत्य पे नहीं चल सकते, बड़ी कठिन होता है। राजसत्ता को सत्य के मार्ग पर चलना बहुत कठिन होता है। अनादिकाल से हिरण्याक्ष नहीं चला, हिरण्यकश्यपु नहीं चला, कंस राजा था नहीं चला। बहुमत का सत्य से थोड़ा दुराव रह जाता है। मेरे प्यारे भारतवासियों, हम बहुमत के लिए नहीं, धर्म मत और सत्य मत के लिए इस धर्म के, आध्यात्म के और संस्कृति के पांडाल में उपस्थित होते हैं। जिनके जीवन में आनंद के फूल खिल चुके हैं उनको कथा सुनने की कोई जरूरत नहीं, टाइम वेस्ट है, मस्त रहिए घर में। जिनके जीवन में समस्याएं अभी भी बची हैं, ऊपर से चकाचक भीतर सफाचट है, नाम बड़े और दर्शन छोटे, भोली सूरत दिल के खोटे हैं, जो ऊपर से तो एयर होस्टेस की तरह मुस्कुराते हैं पर भीतर दुख भरा हुआ है, जगजीत सिंह के गजल की तरह तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो क्या गम है जो छुपा रहे हो। ऊपर की मुस्कुराहटें हैं पर भीतर में खलबली मची हुई है। कथा धर्म गुरु शास्त्र की जरूरत सिर्फ उनको है। और जिनके जीवन में आनंद है, प्रेम है, मस्ती है, स्वस्ती है, वो कहे को यहां तीन घंटा बर्बाद करोगे बिना मतलब, इतने में पता नहीं कुछ और कर लो जाकर उधर। इसलिए कुएं के पास वही आए जिसको प्यास लगी हो। कुएं का पूजा हो रहा है इसलिए व्यवहार निभाने आए हैं, कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा भी टाइम खोटा, कुएं का भी टाइम खोटा, और सचमुच जो पीने वाला होगा उसको भी दिक्कत हो जाएगी तुम्हारे कारण।